अच्छे से समझ लेता है। क्या है श्लोक? नाद्यते कश्यचित् पापं नाचेव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां कह रहे हैं नाद्यते कश्यचित् पापं नाचेव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मान हर एक परिस्थिति में, ठीक है, भगवान शम है, वो कभी भी विषम नहीं होते। भगवान जीवों के इच्छा के अनुसार भगवान उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं, और अज्ञान के कारण जीव ऐसा सोचते हैं कि भगवान विषम है, विज्ञ है, वे लोग नहीं सोचते, ठीक है। भगवान इच्छा के अनुसार सुविधा प्रदान करते हैं। तो जो लोग कहते हैं प्रभु नाम जप करने के लिए भगवान ने बोला धाम जाना है, आप बोलिए उन्हें यात्रा में प्रभु भगवान की जब इच्छा होगी ना तब जाऊंगा, तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि आपको भगवान आपके लिए बस रिजर्व करके भेजने वाले हैं, या फिर भगवान आपको इन्विटेशन कार्ड भेजने वाले हैं, फिर फोन करके बोलने वाले अरे भाई क्या हाल है अभी आ जाओ मेरे धाम में, मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा और सुनो सुनो नाम जप भी करना शुरू कर देना, तुमने बहुत इतने दिनों से नाम जप नहीं किया, ध्यान रखो नाम जप शुरू करो, मैं फोन कर रहा हूँ। कौन? अरे मैं राधा माधव बोल रहा हूँ। अरे मैं राधा श्याम सुंदर बोल रहा हूँ। अच्छा ये ऐसा करने वाले क्या भगवान? नहीं करने वाले। आप इच्छा करिए भगवान आपको सुविधा प्रदान, यदि इच्छा नहीं है तो सुविधा प्रदान, ठीक है। भगवान दोनों परिस्थिति में सम रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में भगवान सम रहते हैं, दोनों परिस्थिति नहीं किसी भी परिस्थिति में भगवान सम रहते हैं। आपके इच्छा अनुसार भगवान आपके लिए रिसोर्सेस, आपके लिए सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है अरे ये व्यक्ति देखने में सुंदर है भगवान इसको अच्छी चीजें प्रदान कर दी, ये व्यक्ति देखने में खराब है अच्छा ठीक है तुम ये काम करो, ऐसा नहीं। जो इच्छा हो रहा है, और इच्छाएं कहाँ से आती है? अनादि काल से, जो हमारे स्वभाव है, जो हमारी वासना है, उस अनुसार से क्या हो रहा है, हम उसके अनुसार से प्रेरित हो रहे हैं, और हम ये कार्य जो है सो उसके अनुसार से कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक को ठीक से समझ लेता है, अच्छे से समझ लेता है, वह ध्यान में रखिए कि वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अथवा मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, मुक्ति उसकी मुट्ठी में आएगी। केवल यह समझ ले कि भगवान सम रहता है, भगवान सम रहते हैं, बस इस चीज को समझिए। नाम जप करने के लिए आपको कोई भक्त कह रहा है तो सोचिए भगवान की इच्छा है जो आपको कह रहे हैं। धाम जाने के लिए आपको कोई भक्त कह रहा है तो सोचिए भगवान की ही इच्छा है जिसके वजह से वो आपको कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, समझिए।